सो दोस्तों आप ये देख सकते हैं चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर ली है और ये देखेंगे इस तरह की लाइक एनिमेटेड वीडियोस जनरेट करते हैं। ये देखें ये कुछ वायरल वीडियोस हैं इस चैनल से और ये देखिए ये कितना पर मंथ कमाते हैं और ये पर ईयर ये कितना कमाते हैं। उसके बाद ये देखिए ये पर डे कितना कमाते हैं। और आज के इस वीडियो को मैंने लाइक 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखें इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है और इस वीडियो में आपको बताऊँगी कैसे आप AI एनिमेशन बना सकते हैं फुल एनिमेशन AI की मदद से, वो भी फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 फाइंड चैनल नेम इन डिस्क्रिप्शन। तो स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं गूगल बार पर चैनल नेम और डिस्क्रिप्शन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज चैनल नेम आइडियाज। तो ये सेंड कर देते हैं। जैसे हम सेंड करेंगे थोड़ा टाइम लेंगे ये जनरेट करने में नेम के आइडियाज। ये देखें इन्होंने ये नेम आइडियाज हमें दे दिए हैं। मुझे इनमें से लाइक सारे ही सही लगे पर ये वाला ज़्यादा अच्छा था, द स्टोरी एक्सप्लोरर, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा द स्टोरी एक्सप्लोरर। तो इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। डिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल बेस्ड ऑन स्टोरीज वीडियोज स्टोरीज हेयर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, स्टोरी वीडियोस लिख देंगे बेस्ड ऑन स्टोरी चैनल से ही। यहाँ पर लिख देते हैं चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे जनरेट करने में ये डिस्क्रिप्शन। अगर लाइक आपको पसंद आए आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ गया तो इसे कॉपी करके आप इसे नए पेज में पेस्ट कर दें, वरना रीजनरेट करने के लिए यहाँ पर आए व्यू अदर ड्राफ्ट तो रीजनरेट कर लें, क्लिक करके वहाँ पर रीजनरेट कर लेंगे। तो अगर आपको लाइक ये भी पसंद नहीं आया तो आप इसे भी रीजनरेट कर सकते हैं, वरना इसे कॉपी कर लें और बस। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर क्रिएट चैनल लोगो एंड बैनर। चैनल लोगो हम कैनवा पर आ जाते हैं क्रिएट करने के लिए। हम लोगो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ डार्क कलर हम सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड के लिए और यहाँ पर चैनल नेम लिख लेते हैं सेपरेटली। सारे चैनल नेम लिखेंगे यहाँ पर द स्टोरी एक्सप्लोरर। तो ये ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर इफेक्ट लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये इफेक्ट लग गया है। उसके बाद इसे एडजस्ट करते हैं। इसे एडजस्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये सही लगे। उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेंगे, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर फिर से कैनवा पर YouTube बैनर जनरेट करने के लिए। ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने लोगों का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था वैसे ही इसका भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिमिलर नेम सेपरेटली लिख लेंगे लोगों का। चैनल नेम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमने लोगों पर किया था वैसे सिमिलर इफेक्ट यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, उसके बाद इसे एडजस्ट कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। ओके, इसे सेंटर में ले आते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन ऐड कर देते हैं। सब्सक्राइब बटन ऐड करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसे डाउनलोड कर लें स्टेप नंबर 3 पर चले जाते हैं जनरेट इमेजेस फॉर वीडियो। तो इमेजेस जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं Leonardo.ai पर। स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट आप लाइक AI से लिख सकते हैं गूगल बार्ड से, तो आप उससे लिख सकते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट किए हुए हैं तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ। तो उसके बाद पहले कॉपी करेंगे प्रॉम्प्ट को, फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए थोड़ा टाइम लेंगे जनरेट करने में। जैसे सेकेंड को प्रॉम्प्ट, तब तक हम सेकेंड को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट करके जनरेट कर देंगे। फिर थर्ड को कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट करके, इसे भी ये जनरेट हो गई है, ये देखें इसे पेस्ट करके जनरेट कर लेते हैं। बस आपको ऐसे सिंपल तरीके से लाइक इमेजेस आप जनरेट कर लेंगे। जैसे जैसे आपको इमेजेस चाहिए आप वैसे वैसे प्रॉम्प्ट लिख लें इन लाइक स्टोरी के हिसाब से। स्टोरी भी आप AI से लिखवा सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप AI से स्टोरी लिखवा सकते हैं। ये देखें मैंने पेस्ट करके जनरेट कर लिया, ये देखें इसे कॉपी करके पेस्ट करके जनरेट कर लेंगे। ऐसे ही हमने सारे प्रॉम्प्ट्स ऐसे ही जनरेट कर लेने हैं, ऐसे ही इमेजेस जनरेट कर लेनी है। ये देखें ये है, और इसे भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जनरेट पर, ये भी पेस्ट कर देंगे जनरेट कर देंगे, और ये लास्ट वन में
उसे जनरेट करने के बाद ये जनरेट करेंगे, ये लास्ट वन है, उसके बाद ये सारे डाउनलोड कर लेते हैं ये। लेकिन उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जनरेट वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब वीडियो। तो यूट्यूब वीडियो के लिए वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम पूरा लाइक कॉपी कर लेंगे, पहला पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे आप हमें कौन सी वॉइस चाहिए, तो हमें ये सही लगी तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जनरेट करेंगे, तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद जेम्स की हैरी की ट्राई करते हैं, तो देखते हैं ये सही है या नहीं। तो ये भी मुझे इतनी लाइक अच्छी नहीं लगी, हैरी की वॉइस भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद इस वहाँ पर एमिली की वॉइस पर ही जाते हैं। उसके बाद रीजनरेट कर लेंगे इसे जनरेट करते हैं। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे जब तक ये जनरेट हो रहा है। ये जनरेट हो गया है तो इसे डाउनलोड करने हैं। उसके बाद ये पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट करने के बाद ये इसे फिर से प्ले के बटन पर क्लिक करके जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम ये अगला पैराग्राफ कॉपी करेंगे जब तक वो जनरेट हो रहा है। उसे कॉपी करके फिर हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ऐसे जनरेट पर क्लिक कर देना है। हम इसे जनरेट करेंगे, उसके बाद जब तक ये जनरेट हो रहा है तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको कॉपी कर लेना है। ऐसे ही आपको सारी लाइक पूरी स्क्रिप्ट का कर देना है वॉइस ओवर जनरेट। फिर हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 पर, एनिमेट इमेजेस विद AI। तो एनिमेट करने के लिए हम पिकल ऐप्स पर आ जाते हैं, ज्वाइन बेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड करना है अपना नेम, यहाँ पर ऐड कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, आई एम ह्यूमन कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये टेस्ट, ओके। इसके बाद जैसे इसे वेरीफाई कर देंगे हम नेक्स्ट चले जाएंगे। इसे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको लाइक आपको बर्थ डेट डालनी होगी, ये डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, ईमेल और पासवर्ड डालना होगा, यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं, ओके। ये हमारी ईमेल है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, ओके। थोड़ा टाइम लेंगे, ये हो गया पासवर्ड, तो क्लेम अकाउंट कर देंगे तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ये देखिए आपको सवाल के जवाब देने हैं। ये देखिए मैंने ये कर दिया, उसके बाद ये आपको जवाब दे देने हैं, फिनिश कर दिया इसका। यहाँ पर आपको कोई सर्वर ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए ये सही है। ये देखिए यहाँ पर उसके बाद हम ईमेल पर जाकर इसे क्लेम कर लेंगे अकाउंट को। ये देखिए ये आपको कोई भी सर्वर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये हैशटैग वाले सर्वर्स हैं, जनरेटेड वगैरह वाले, जनरेट वाले, ठीक है। यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करना है जनरेट करने के लिए। जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, स्लैश दबाकर यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे, पहले ये कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट लाइन कॉपी कर लेंगे स्टोरी की, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर बायर क्लिक कर देंगे। बायर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आएगा, इमेज क्लिक करके यहाँ पर इमेज ऐड कर देनी है ये वाली, उसके बाद सेंड कर देना है। जैसे हम सेंड करेंगे थोड़ा टाइम लेंगे ये जनरेट होने में, तब तक के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस इन्होंने जनरेट किए हुई हैं। देखिए तब तक के लिए हम और भी लाइक कर देते हैं, जैसे हमने ये किया तो और भी कर देते हैं जनरेट। तो हमें ऐसे ही सारी इमेजेस जनरेट कर लेनी होंगी यहाँ पर क्रिएट प्रॉम्प्ट और इमेजेस ऐड करके। ये देखिए ये हो गया है, तो इसे डाउनलोड कर लेंगे और फिर ऐसे ही हम सारी इमेजेस ऐड करके डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें ये है, इसे भी कॉपी कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसे डाउनलोड कर देंगे, ये सारी एनिमेटेड इमेजेस को डाउनलोड कर देंगे, एनिमेट कर देंगे यहाँ पर, ओके हो गया है। ये देखें हम और भी करेंगे, ये हो गया, हम सबको एनिमेट कर देंगे सारी इमेजेस को। उसके बाद ये देखें ये जैसे ही एनिमेट करते हैं ये है लास्ट आई थिंक, इसके बाद ये है। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पर, एडिट यूट्यूब वीडियो। तो हम इसे एडिट कर देते हैं वीडियो एडिटर में आकर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉइस एडिट करेंगे, ये देखें ये जो लाइक फालतू पार्ट है, हम जो खाली खाली है वॉइस में उसे हम कट कर लेंगे। देखिए हम कट कर देते हैं, जैसे हम कट कर देंगे उसके फिर उसे एडजस्ट करके एक साथ सबको कर देना है, ओके। ये देखें इससे सबको साथ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसे सही तरह से एडजस्ट करेंगे,
आप अपनी तरह से लाइक जैसे आपको चाहिए आप वैसे एडिट कर सकते हैं। मैंने ऐसे एडिट कर लिया, लाइक मुझे यूं सही लगा तो मैंने ऐसे एडिट कर लिया। ये देखिए मैंने ये सारी इमेजेस ऐड कर ली, सारी वीडियोस ऐड कर ली, एनिमेटेड वीडियोस सारी ऐड कर ली, तो ये ऐड कर देंगे। उसके जैसे ही हो जाए ऐसे मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाती हूँ कैसी है। एक्सपोर्ट कर लेंगे इसे अभी हम। Once upon a time, in a quaint little town, nestled between rolling hills and a winding river, lived a young woman named Emma. She was known throughout the town for her radiant smile, kind heart, and an unwavering love. आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।